हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल योली मदद क्या हाल है गाइस, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो अली शनावर भाई का भी एक और न्यू नोहा रिलीज हो गया है इस साल के मुहर्रम का, जिसका टाइटल है जा अली असगर, जा अली असगर बाय अली शनावर नोहा 2022-1444 हिजरी। ठीक है, ये जो नोहा है ये शहजादे अली असगर अलैहिस्सलाम के ऊपर होने वाला है। 6 महीने के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे थे सज्जाद अली असगर अलैहिस्सलाम। इस नोहे का जो टाइटल है वो है जा अली असगर। एंड काफ़ी टाइम पहले, मेरे ख्याल से कुछ साल पहले, अली शनावर भाई का एक और नोहा रिलीज़ हुआ था काफ़ी साल पहले, जो कि सज्जाद अली असगर अलैहिस्सलाम के ऊपर ही था, जिसका टाइटल था आ असगर। मैंने लाइक रिएक्शन करा उसके ऊपर, आ असगर बिन तेरे, बहुत दर्दनाक वो नोहा था लिटरली। तो अभी रिलीज़ हुआ है जा अली असगर, तो लेट्स सी इस नोहे को सुनते हैं, उसके बाद जो भी बात करेंगे। ओरिजिनल वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, तो प्लीज़ जाके चेक कर लेना आफ्टर द रिएक्शन वीडियो। अब इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद जो भी बात करेंगे। जा अली असगर जा आशूर के दिन अली असगर को मारो रो कर समझाती है तुझे आखिरी जंग लड़ना है। आशूर के दिन अली असगर को मारो रो कर समझाती है तुझे आखिरी जंग लड़ना है। तुझे आज मेरी रखना है, तुझे बाबा सुन जाना है, तुझे आखिरी जंग लड़ना है। इस दिन के लिए ही माँ तेरी तुझे कर्बला में लाई थी, आखिरी जंग लड़ना है। जा अली असगर जा आशूर के दिन अली असगर को मारो रो कर समझाती है तुझे आखिरी जंग लड़ना है। समझाती है तुझे आखिरी जंग लड़ना है। तुझे आज मेरी रखना है, तुझे बाबा सुन जाना है, तुझे आखिरी जंग लड़ना है। आलाल तेरे कपड़े बदलू मख़तल के लिए तैयार करूं, आखिरी जंग लड़ना है। जा अली असगर जा आशूर के दिन अली असगर को मारो रो कर समझाती है तुझे आखिरी जंग लड़ना है। कभी गोद में ज़ैनब ले कभी प्यार सकीना करती है, कभी गोद में ज़ैनब
आखिरी जंग लड़ना है, आशूर के दिन अली असगर को मारो रो कर समझाती है, तुझे आखिरी जंग लड़ना है, तुझे आज में ही रखना है, तुझे बाबा संग जाना है, तुझे आखिरी जंग लड़ना है, नुसरत फरमाना, नाम अली बन कर जाना बाबा की नुसरत फरमाना, शब्बीर का तू है बेटा, अब्बास चचा है तेरा, तुझे आखिरी जंग लड़ना है, जाली असगर समझाती है, तुझे आखिरी जंग लड़ना है, तुझे आज में ही रखना है, तुझे बाबा संग जाना है, तुझे आखिरी जंग लड़ना है, है जाली असगर का, तुझे आखिरी जंग लड़ना है, है जाली असगर जा, है जाली असगर जा। वो लाइन बहुत दर्दनाक था इसका, कि हर माँ ने दी कुर्बानी है, अब तेरी माँ की बारी है, मतलब अब शहजादे अली असगर की मम्मी की कुर्बानी देने की बारी है। तो सबकी मदर ने कुर्बानी दी है, अब जो है ना लाइक मैं भी कुर्बानी दूंगी, तुझे तैयार करूंगी एक तरह से, लाइक इसमें जो है ना बीबी उम्मे रबाब मेरे ख्याल से ना, जहाँ तक उम्मे रबाब, या मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ जाता हूँ, उम्मे रबाब उम्मे लैला में दोनों की मदर, मतलब थोड़ा मैं कभी कभी चेंज कर देता हूँ, बट आई गेस मेरे ख्याल से मैं सही कह रहा हूँ, शहजादे अली असगर अली इस्लाम की मदर उमर रबाब भी थी मेरे ख्याल से। तो वो जो है उनको तैयार कर रही है, सिर्फ 6 महीने का बच्चा है, उनको वो तैयार कर रही है अपने फादर के साथ आखिरी जंग लड़ने के लिए, रो रो कर वो अपने बेटे को तैयार कर रही, 6 महीने के बच्चे को, लाइक झूले पे है वो, झूल रहा है, और वहाँ पे उनको एक तरह से रो रो के वो समझा रही है, बुझा रही है कि तुम्हें जो है ना आखिरी जंग लड़ना है अपनी अपने फादर के साथ, बिकॉज तुझे जो है मेरी लाज रखनी है, एंड साथ साथ लाइक अपने फादर का साथ भी देना है, उनको तीर लगने नहीं देना है, इस तरह से समझाया जा रहा है वहाँ पे लाइक 6 महीने के बच्चे को। मुझे उस वक्त का लाइक प्रॉपर मंजर याद आ गया, जब लाइक मदीने से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम निकलते हैं पूरे खेमों के साथ, बीबी सुगरा सलामुल्लाह अलैहा जिद करती है कि मुझे भी जाना है, बट वो उनको मना कर देते हैं कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको फीवर है, आप मदीने में ही रहिए। तो बीबी सुगरा सलामुल्लाह अलैहा जो है ना जिद करती है कि मुझे भी जाना है, तो बहुत लाइक मुश्किलात से उनको रोक दिया जाता है, बट उनकी एक विश होती है कि वो चाहती है कि मेरे साथ शहजादा छोटा सा अली असगर रह सके 6 महीने का। तो वो तो पहले आ जाते हैं, लेकिन मैंने सुना है कि उसके बाद जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम छोटे अली असगर के कानों में कुछ कहते हैं तो वो उनके गोद में आ जाते हैं। मुझे उस वक्त का मंजर याद आ गया, वो खुद आ जाते हैं, लाइक उन्हें लड़ना है खुद, उन्हें भी कुर्बानी करनी है, इस तरह से वो खुद आ जाते हैं प्रॉपरली अपने फादर की गोद में, एंड उसके बाद से फिर रवाना होती है वहाँ से, लाइक रवानगी होती है मदीने से एक तरह से, है ना। तो तुम इस एक तरह से कह सकते हो कि इस पार्ट के अंदर में शहजादे अली असगर को उस लाइक उस तरह तैयार करा जा रहा है, एंड उसके बाद देन तुम्हें पता है उनको शहीद कर दिया जाता है एक तरह से, अपने देखा है उनके गले पर तीर मारा जाता है यहाँ पर छोटे असगर के। बहुत दर्दनाक इनवा था यार, बहुत दर्दनाक इनवा था लिटरली,
इसका जो लाइक वो कोरस पार्ट था ना वो बहुत हिट कर रहा था। मुझे फिर वही वाला नोहा याद आ गया, लाइक सबसे पहले जो हम सब ने सुना था अली शनावर भाई का ही था, आसगर बिन तेरे, बहुत दर्दनाक वो नोहा था। उस नोहे के अंदर में क्या हो रहा था, उस नोहे के अंदर में जब शहजादे अली असगर शहीद हो गए थे उसके बाद उनकी मदर उनको याद कर रही थी, लाइक इतने नाजों से मैंने तुमको पाल के बड़ा किया है, अब तुम मुझे छोड़ के जा चुके हो। तो उसके अंदर में इस लाइक इस टाइप की चीज़ें की बात हो रही थी कि वो शहीद हो चुके उसके बाद उनकी मदर उनको याद कर रहे थे, बट एक्चुअली इसके अंदर में वो जाने की बात कर रहे, पहले आप जाओ एक तरह से शहीद होने के लिए, कुर्बानी के लिए एक तरह से लाइक तुम कह सकते हो। तो इस नोए के अंदर में वो भेज रही है, उस नोए के अंदर में वो याद कर रही थी शहीद होने के बाद का, इस तरह से इस नोए को बनाया गया है। वो नोए में अलग पार्ट था, इसमें थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट थोड़ा सा नोहा, जाने की बात और आने की बात की एक तरह से तुम कह सकते हो। तो या दैट्स इट। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, प्लीज़ जाके चेक कर लेना। फुल क्रेडिट रॉयल रिकॉर्ड्स अली शनावर भाई को जाता है, नदीम सरवर सर की टीम को जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बी से बी हैप्पी, पीस आउट याली मदद, लव बॉय क्या उसे। शब्बीर का तू है बेटा, अब्बास चचा है तेरा, तुझे आखिरी